हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन रसोई। आज की रेसिपी मेरी पर्सनल फेवरेट रेसिपी है। आज हम बनाएंगे सॉफ्ट और स्पॉन्जी रागी इडली। ये पूरे परिवार के लिए एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट या लंच है। रागी इडली के साथ हम परोसेंगे जीरो ऑयल चटनी और टमाटो पप्पू चारू। ये सभी चीज़ें एक साथ बहुत ही टेस्टी लगती हैं। रागी बैटर का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि आप इससे इडली, डोसा, स्पॉन्ज डोसा और उत्तपम भी बना सकते हैं। ये एक वर्सटाइल बैटर है और इसे आप फ्रिज में 3 दिन तक रख सकते हैं। रागी को हम फर्मेंट करके बना रहे हैं, इसलिए इसमें विटामिन B12 भरपूर है। रागी में कैल्शियम और आयरन की मात्रा भरपूर पाई जाती है, इसलिए आप इसे अपने डाइट में वीकली ट्वाइस ज़रूर इंक्लूड करें। चलते हैं रेसिपी की ओर। इसके लिए मैंने 1 कप रागी ली है। रागी में आवश्यकता अनुसार पानी डालकर 3-4 बार अच्छे से धो लें ताकि जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाए। रागी को 3-4 बार धोने के बाद इसका पानी निथार दें। अब रागी को सोक करने के लिए हम फिर से पानी डालेंगे। पानी जब डालेंगे तब अपनी उंगली इसमें डालकर देखें, ये 1 इंच के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब इसे हम 3 घंटे के लिए सोख होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम दूसरे बर्तन में 1/2 कप खड़े मूंग डालेंगे। अब मूंग में भी पानी डालें और इसे 1-2 बार धो लें। अब मूंग में भी पानी डालें और इसे ढक्कन से ढककर 3 घंटे के लिए सोख होने के लिए छोड़ दें। अब 1 कटोरी में 1 चम्मच मेथी दाना लें और उसे पानी डालकर धो लें और इसमें फिर से पानी डालकर इसे सोख होने के लिए छोड़ दें। अब 1 बर्तन में 4 चम्मच पोहा लें और उसे भी हल्के हाथों से धो लें और इसमें फिर से पानी डालकर इसे सोख होने के लिए छोड़ दें। 3 घंटे के बाद आप देखेंगे हमारे मूंग अच्छी तरह से सोख हो चुके हैं और हमारी रागी भी अच्छी तरह से फूल चुकी है। रागी को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया था, इसलिए मैंने ये सोख किया हुआ पानी इसे पीसने में यूज़ किया है। अगर आपको ये सही ना लगे तो ना ही करें। सोख की हुई रागी को हम एक ब्लेंडर में डालेंगे। अब इसमें भीगे हुए मूंग भी डालें। अब इस मिक्सचर को हम एकदम महीन पीस लेंगे। इस मिश्रण को कम से कम 2 से 3 मिनट तक पीसें। अब पिसे हुए मिश्रण को हम एक बर्तन में निकालेंगे। रागी और मूंग भीगने के बाद डबल हो गए हैं, इसलिए हम इसे 2 बैचेस में पीसेंगे। अब इसमें हम भीगा हुआ मेथी दाना और भीगे हुए मोटे पोहे डालेंगे। अब इन सभी चीज़ों को ब्लेंडर में एकदम महीन पीस लेंगे। अब इस पिसे हुए मिश्रण को भी पहले वाले मिश्रण के साथ मिलाएंगे। ब्लेंडर में 1.5 कटोरी पानी डालकर उसे धोकर वही पानी हम इस मिश्रण में डाल देंगे। अब इस मिश्रण को हम एक करछी की सहायता से अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि ये मिश्रण हल्का हो जाए और हमारी इडलियाँ एकदम स्पॉन्जी और लाइट बने। हम इस मिश्रण को ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। ऊपर से थाली ढक देंगे और एक हैवी कोई चीज़ उसके ऊपर रख देंगे ताकि अंदर एयर न जाए और हमारा मिश्रण अच्छे से फर्मेंट हो। हम बनाएंगे 0 ऑयल चटनी। इसके लिए मैंने 1 प्याज और 3 मीडियम साइज टमाटर लिए हैं। टमाटर को मैंने हल्का तेल लगा लिया है और इन सभी चीज़ों को सेकने के लिए रख दिया है। प्याज और टमाटरों को थोड़ी थोड़ी देर में अलट पलट करते रहें ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएं। जब तक प्याज टमाटर सिक रहे हैं हम एक कढ़ाई में कुछ दालें सेक लेते हैं। 2 टीस्पून चना दाल डालें। चना दाल को धीमी आंच पर करछी से लगातार चलाते हुए सेकें। जब दाल हल्की सी सुनहरी हो जाए और खुशबू छोड़ने लगे तब हम इसमें 9 से 10 कलियां लहसुन की डालेंगे और इनको भी चने के दाल के साथ भुनेंगे। जब दाल अच्छे से सिक जाए तब हम इसे 1 कटोरी में निकालकर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब कढ़ाई में 2 चम्मच मूंग दाल डालेंगे। आप चाहें तो इसमें उड़द दाल यूज़ कर सकते हैं। गैस की आंच धीमी करें और करछी से लगातार चलाते हुए मूंग दाल को भी भुनें। जब दाल का रंग हल्का सुनहरा हो जाए तब हम इसमें 3 खड़ी लाल मिर्च डालेंगे। आप देख सकते हैं दाल का रंग चेंज हो चुका है। अब हम इसे बाउल में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
एक टीस्पून मूंगफली के दाने डालेंगे और उसे भी हम लगातार कड़छी से चलाकर इसे भुनेंगे। बाउल में निकालकर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मीनवल हमारे प्याज और टमाटर भुन चुके हैं। जब ये ठंडे हो जाएं हम इसके छिलके निकालकर रख देंगे। भुनी हुई दालों को हम एक ब्लेंडर में डालेंगे। इसके साथ भुने हुए प्याज टमाटर जिनको हमने रफली चॉप कर लिया है उसे भी हम इसमें डालेंगे। 8 से 10 कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता सेहत के लिए अच्छा होता है इसलिए मैंने डाले हैं। 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ मुझे कड़ी पत्ता कम लगा तो मैंने 20-25 पत्ते और डाले। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। अगर पानी की आवश्यकता लगी तो हम डालेंगे। अब इसमें हम 4 टीस्पून पानी डालेंगे और इसका एक महीन पेस्ट बना लेंगे। पीसने के बाद इसे बर्तन में निकालें। हम इसे इडली के साथ परोस रहे हैं इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हल्का पतला करेंगे। अब पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लें। मुझे इसमें ज़्यादा कैलोरीज ऐड नहीं करनी थी इसलिए मैंने इसमें तड़का नहीं लगाया। आप चाहें तो इसमें लगा सकते हैं। अब हम बनाएंगे टोमेटो पप्पू चारू। ये बहुत ही फ्लेवरफुल दाल होती है। इसके लिए मैंने आधा कटोरी अरहर दाल को आधा घंटे के लिए भिगोकर रख दिया है ताकि दाल जल्दी गल जाए और इसे हम 3-4 बार अच्छे से धो लेंगे। अब भीगी हुई दाल को हम कुकर में डालेंगे। हमको ये दाल को एकदम मैशी बनाना है इसलिए मैं इसमें 2 कटोरी पानी डालूंगी और इसमें 1 छोटा कटा हुआ प्याज डालेंगे। 1 टीस्पून कटी हुई लहसुन डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। इन सभी चीज़ों को पहले डालने से हमारी दाल बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी। अब कुकर का ढक्कन लगाकर इसमें 3 से 4 सीटी लगाएंगे। कुकर नॉर्मल होने पर इसका ढक्कन निकालेंगे और एक करछी की मदद से दाल को घोटेंगे। दाल को इस तरह घोटने से दाल एकदम मैशी हो जाती है। अब मैंने यहाँ 4 टमाटर को इस तरह रफली चॉप करके रख लिया है और 1 टमाटर को भी इस तरह रफली चॉप करके अलग से रख लेंगे। अब एक भगोने में हम 4-5 कटोरी पानी डालेंगे। जब पानी को अच्छा सा उबाल आ जाए तब हम इसमें जो हमने 4 टमाटर काट के रखे थे वो इसमें हम डालेंगे। जब तक ये टमाटर एकदम नरम ना पड़ जाए तब तक हमको इसे उबालना है। जब टमाटर नरम पड़ जाए तो गैस की फ्लेम बंद करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसे हाथों से इस तरह चूरेंगे। टमाटर का पल्प निकालने के लिए आप इसे मिक्सर में ना पीसें। जब इसका पूरा पल्प निकल जाए तब हम इसे निचोड़ कर बाकी का जो टमाटर का छिलके हैं उसे अलग कर देंगे। टमाटर के छिलकों को छलनी से न छाने, अपने हाथों से ही निचोड़ कर अलग करें। एक बड़े नींबू के साइज़ की इमली मैंने पहले ही भिगोकर रख दी थी। अब हम उसे निचोड़ कर उसका पल्प निकालेंगे। अब एक बर्तन में मैश की हुई जो दाल है उसे हम निकालेंगे। अब इसमें हम इमली का पल्प डालेंगे। मैंने यहाँ 1/2 ही डाला है। अगर खटाई कम लगी तो हम बचा हुआ इमली का पल्प बाद में डालेंगे। टमाटर का जो पल्प निकाला है वो डालेंगे। सभी चीज़ों को कड़छी की सहायता से अच्छी तरह से मिलाएं। ये दाल पतली होती है इसलिए हम इसमें 4 से 5 कटोरी और पानी डालेंगे। मैंने यहाँ खटाई टेस्ट करके देखी, मुझे कम लगी तो मैंने बची हुई इमली और डाल दी है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम स्टर करेंगे। यहाँ मैंने 2 ड्रमस्टिक ली हैं, उसके पहले मैंने छिलके उतार दिए और उसे काट कर मैं डाल रही हूँ। 2 बैंगन को मैंने इस तरह लंबा काट लिया है और इसे हम डालेंगे। फूल गोभी के मैंने बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं, उसे भी मैं इसमें डाल रही हूँ। मुझे यहाँ ये बर्तन छोटा लग रहा है तो मैं इसे फिर से कुकर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। जब दाल उबलने लग जाए तब हम इसमें 2 डंडियाँ कड़ी पत्ते की डालेंगे। आप देख सकते हैं हमारी दाल कितनी पतली है। हमें इसी कंसिस्टेंसी की दाल चाहिए। अब इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। हम दाल को तब तक उबालेंगे जब तक कि हमारी सब्जियाँ पक ना जाए। जब तक हमारी सब्जियाँ पक रही है हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। गैस को मीडियम टू लो रखें और इसमें 2-3 टीस्पून तेल डालें। जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें 1 टीस्पून राई डालें। राई तड़कने पर
इसमें आधा चम्मच जीरा डालें। जब जीरा तड़क जाए तब इसमें एक चम्मच मेथी दाना डालें। जब मेथी दाना लाल हो जाए तब हम इसमें एक चम्मच चना दाल और उड़द दाल डालेंगे। दाल डालने के बाद हम इसे स्टर करेंगे जब तक ये हल्की सुनहरी ना हो जाए। अब हम इसमें आधा कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हम स्टर करेंगे। जब प्याज का हल्का रंग चेंज हो जाए तब हम इसमें 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च, 10 से 15 कड़ी पत्ते। इन सभी चीज़ों को हम एक पलटी की मदद से सौटे करेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट और 1 टुकड़ा पत्थर फूल का, इसको दाल में ज़रूर डालें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1/4 टीस्पून हींग। अब एक पलटी की मदद से इसे लगातार चलाएं जब तक कि अदरक लहसुन पेस्ट अपना कच्चापन ना छोड़ दे। जब ये हल्का लाल हो जाए तब हम इसमें 1 टमाटर कटा हुआ डालेंगे जिसे हमने अलग रख दिया था। टमाटर डालने के बाद करछी से इसे लगातार चलाएं जब तक कि हमारे टमाटर एकदम नरम ना पड़ जाएं। जब टमाटर नरम पड़ जाए तब हम इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद इसे ज़्यादा देर ना चलाएं, नहीं तो हमारी दाल का कलर अच्छा नहीं आएगा। ये दाल थोड़ी सी तीखी होती है इसलिए मैंने फिर से मिर्ची डाली है। अगर आप कम खाते हैं तो आप अपने हिसाब से डालें। उबलती हुई दाल को फिर से गैस पर चढ़ाएंगे और इस तड़के को हम दाल के ऊपर डालेंगे। तड़का डालने के बाद करछी से स्टर करें और दाल को 2-3 उबाल आने दें। दाल में उबाल आने के बाद 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम सांभर पाउडर डालेंगे और ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। हमारी दाल तैयार हो चुकी है, हम इडली बनाने के लिए शुरू करते हैं। हमने जो बैटर ओवरनाइट रखा था आप देख सकते हैं वो कितनी अच्छी तरह से फर्मेंट हुआ है। बैटर में स्वाद अनुसार नमक डालें। नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से स्टर करें। अब इडली बनाने वाले स्टैंड को एक ब्रश की सहायता से अच्छी तरह से ग्रीस करें। हमने जो इडली बैटर बनाया है उसे हम इडली के इस सांचे में डालेंगे। बैटर को सभी सांचों में थोड़ा थोड़ा करके डालें। अब इडली पात्र में 2-3 कटोरी पानी उबलने के लिए रख दें और सभी स्टैंड को इस इडली पात्र में रख दें। सभी इडली स्टैंड रखने के बाद ऊपर से ढक्कन लगाकर 15 मिनट इसे स्टीम होने के लिए रख दें। 15 मिनट के बाद आप देखेंगे हमारी फुली और स्पॉन्जी इडली तैयार हो जाएंगी। इडली को स्टैंड से निकालते ही डीमोल्ड ना करें, इसे थोड़ी देर रहने दें और फिर इसे डीमोल्ड करें। अगर आप स्टैंड से निकालते ही इडली को निकालेंगे तो इडली टूट जाएगी। इडली को चाकू की सहायता से निकालें। इस तरह बनाई हुई इडली बहुत ही स्पॉन्जी और नरम होती है। जब भी आप अपने डाइट में कोई मिलेट यूज़ कर रहे हैं तो पहले उसे सोक करके फिर खाएं। जब आप मिलेट को सोक करके कोई भी रेसिपी बनाएंगे तो आप उसे जल्दी डाइजेस्ट करते हैं। तो लीजिए, तैयार है एकदम हेल्दी प्लेट जिसे आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में खा सकते हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये मिलेट बेस्ड प्लेट कैसी लगी। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।